कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन दोनों को ज़रूर घूमें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो चलिए फिलहाल जो है गेट के अंदर चलते हैं और बटरफ्लाई गार्डन देखते हैं। ये इतनी सारी वेयर मैंने तोड़ी है और इसको आराम से खाएंगे। सब्सक्राइब करें धर्मेंद्र टूर चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। कैक्टस गार्डन से स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी में साइट सीन जरूर करना, मात्र ₹50 लगेगा बस का टिकट। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, सामने देख रहे हैं कैक्टस गार्डन। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, तो चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका एक टिकट चेक होगा, इसके बाद आप अंदर का सीन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। कैक्टस का मतलब होता है कांटेदार पौधे। जितने भी पौधे आपको यहाँ पर दिखेंगे सारे के सारे कांटेदार होंगे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आप घूमने आ रहे हैं, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं बहुत ही मजबूत कांटेदार होता है और ये काफ़ी लंबा और मोटा होता है। तो अभी हम इसका एक छोटा सा पेड़ दिखाएंगे जिसमें पत्तियां भी है। इसमें पत्तियां नहीं लगी है, लेकिन इसमें ये जो आप छोटा सा पेड़ देख रहे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो छोटा सा पेड़ है जो अभी मैंने इससे पहले दिखाया, ये बड़ा वाला सेम वही पेड़ है। इसका तना काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो सामने आप देख सकते हैं तना और उसकी लंबाई, हालांकि इसमें पत्ते नहीं हैं, पत्ते भी होते हैं इसके अंदर। कैक्टस गार्डन में काफ़ी सारे ऐसे पौधे और इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए इसके जो कांटे हैं ना, कांटे भी बहुत मजबूत है गाइस। कांटे कांटे वाले पौधे हैं ये वाले पौधे, काफ़ी तरह तरह के आपको देखने को मिलेंगे। नागफनी का पौधा, इसे तो आप सब जानते हो कि इंडिया में भी पाया जाता है ये। यहाँ पर ये गोल वाले कैक्टस को भी हम देखने वाले हैं और इसके फ्लावर को भी। ये देखिए कितने मजबूत कांटे हैं वो आप देख सकते हैं। और इसको देखिए, ये थोड़ा सा पुराना, इसका जो फ्लावर गाइस ये ऊपर देख रहे हैं ना, फ्लावर ऊपर इसके फूल होते हैं, तो ये देख सकते हैं। और ये देखिए, तो इस साइड आप देख सकते हैं गाइस, इधर साइड जो आप पौधे देख रहे हैं, कुछ पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें कांटे नहीं हैं। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इनमें कांटे नहीं है। और ज़्यादातर जितने भी कैक्टस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, सभी में बड़े बड़े नुकीले कांटे आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ का सीन, जैसे ये पौधे हैं इनमें कांटे नहीं हैं, और ये भी आप देख सकते हैं इसमें भी कांटे नहीं है। ये वाले, ये जो आप देख रहे हैं ना, बहुत ही इसके जो कांटे हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। देख सकते हैं इसका फ्लावर, देखिए कुछ इस प्रकार से इसके फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये एक गोल्डन कलर में है और एक वाइट कलर में है। ये देखिए इसके फ्लावर्स कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सभी के सभी, जितने भी यहाँ पर आपको कैक्टस देखने को मिलेंगे, सभी के सभी मरुस्थली इलाके में, जहाँ पर बालुई रेती होती है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये वाला कैक्टस देखिए, इसके बीज भी लगे हुए हैं। इसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये है एलोवेरा। यहाँ पर आपको कई प्रकार के एलोवेरा देखने को मिल जाएंगे, जो कई कंट्रीज से लाए गए हैं, जो अलग अलग, ये वाला देखिए, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर एलोवेरा लाए गए हैं। इंडिया में कौन सा एलोवेरा होता है वो आप पहचानते हैं, ये वाला। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी बाहर के हैं, बाहरी इस कंट्रीज़ के हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको एलोवेरा मिलता है देखने को। ये देखिए बहुत ही कुछ मोटे भी हैं और कुछ फूल भी देते हैं एलोवेरा, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे लाइन से लगाए गए हैं और तरह तरह के एलोवेरा आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये वाला तो देखते हैं, अपने इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा आपको एलोवेरा। ये देखिए बहुत ही मोटा है और काफ़ी इसमें रस जो होता है वो होता है। यहाँ से आपको सीन स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ का इस प्रकार से मिल जाएगा। वो सामने आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, देख सकते हैं गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी। हालांकि कोहरा हल्का हल्का है, इसलिए यहां पर स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है। देखिए यहां से आपको सरदार सरोवर डैम भी काफ़ी नज़दीक से देखने को मिलेगा, हालांकि अभी पानी बंद है, इसलिए
उतना ज़्यादा हलचल नहीं है यहाँ पर। ये देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम सामने आपके, और ये कुछ इस प्रकार से व्यू आपको देखने को मिलेगा कैक्टस गार्डन का। ये देखिए बहुत सारे कैक्टस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक सेल्फी स्पॉट है, उसके ऊपर आप चढ़कर ऐसा कुछ सीन देख सकते हैं कैक्टस गार्डन का और ये सरदार सरोवर डैम का भी। तो ये देखिए चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कैक्टस, कुछ पौधे हैं जिनमें कांटे नहीं हैं। ये जो सामने आप छोटा सा घर देख रहे हैं, ज़्यादातर कैक्टस उसी के अंदर देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के। अभी फ़िलहाल हम इसके बाहर का सीन देख लेते हैं, इसके बाद हम अंदर चलेंगे। देखिए यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस। कुछ देख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर, ये विदाउट कांटे वाले पौधे हैं। ये देखिए बिल्कुल, अगर आपको कुछ बाय करना है, कुछ पौधे वगैरह कुछ लेना है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं छोटा सा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से सीन आप देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम एंड कैक्टस गार्डन का। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से सीन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर, चारों तरफ देखिए पौधे ही पौधे हैं। और अभी हम नीचे भी चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, और इसके बाद ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। इनमें ये जो पौधे हैं, ये जो देख रहे हैं, इनमें कांटे नहीं हैं। ये देखिए इनमें कांटे नहीं, विदाउट कांटे वाले हैं। और ये देखिए ये वापस से ये वाले काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इनके जो फ्लावर्स इनमें जो लगते हैं, इनमें जो फ्लावर लगते हैं, वो फरवरी महीने के बाद से ज़्यादा फ्लावर देखने को मिलेंगे आपको। ये नागफनी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इनमें कांटे नहीं है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपको कैक्टस वैली देखने को मिलेगा, कैक्टस गार्डन कह सकते हैं, कैक्टस वैली कह सकते हैं। कैक्टस गार्डन जो है, बाहर बाहर का जो हिस्सा था वो मैंने टोटल एक्सप्लोर कर लिया है। अब चलते हैं अंदर, वो जो आप देख रहे हैं उसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देख सकते हैं नागफनी का पौधा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा पौधा है, इसमें कांटे हैं गाइस बहुत, इसलिए इनको छूना नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त कांटे हैं, और ये देखिए रेतीले इलाकों में पाए जाने वाले। यहाँ पर देखिए गाइस इस कैक्टस को देखिए, ये कुछ येलो है और कुछ वाइट है, इसमें भी फूल लगते हैं ऊपर, फिलहाल अभी इसमें फूल नहीं है। पूरा का पूरा देखिए नीचे पत्थर ही पत्थर है और बालू, पत्थर और बालू दोनों है। इनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, ये इनको पानी 15 दिन या 10 दिन में देना पड़ता है एक बार, वो भी कम। ये देखिए पूरे का पूरा रेतीले इलाके में है, गिट्टी पत्थर ये आपको कुछ छोटे छोटे देखने को मिल जाएगी, और बालू ये देखिए बहुत कई प्रकार के यहाँ पर आपको कैक्टस देखने को मिलेंगे, जो लगभग 17 कंट्रीज से लाए गए हैं। 17 कंट्री से लाए गए यहाँ पर आपको कैक्टस देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए एक से बढ़कर एक कैक्टस मिलेंगे, जितने भी कैक्टस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सभी के सभी औषधि कैक्टस हैं, जो कि कुछ बीमारियों में काम आते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो ये कैक्टस में आप किसी से भी पूछेंगे, कैक्टस गार्डन में ये आपको कहाँ पर मिलेगा वो बता देंगे, वो आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार से, बहुत ही सुंदर ये वाला देखिए, रेड वाला देखिए बहुत ही सुंदर है गाइस, और वाह बहुत, ये देखिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको कैक्टस देख रहे हो, पर कांटे इसमें बहुत, जितना सुंदर उतना ज़्यादा खतरनाक कांटे। ये देखिए इसमें कांटे नहीं है, छोटे छोटे हैं बट ज़्यादा नहीं है। ये वाले देखिए ये इसको ब्राज़ीलियन कैक्टस बोलते हैं, क्योंकि ये ब्राज़ील से लाया गया है। इसका और दूसरा नाम है, अच्छा स्नैक करके कुछ नाम है, इसका नाम है स्नैक कुछ करके और इसका नाम है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और ये वाला देखिए
बहुत ही सुंदर गाइस ये रेड वाला देखिए, बहुत ही लाजवाब आपको पौधे मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि मैं इसको अपने घर ले जाऊं, लेकिन घर ले जाने के लिए फ़िलहाल नहीं मिलेंगे। और ये देख सकते हैं। अच्छा, आप बाय भी कर सकते हो, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कहाँ पर मिलता है। किसी से भी कैक्टस गार्डन में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कहाँ से ले बाय करना है आपको। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, वाव, बहुत ही बढ़िया, कितना बढ़िया झुंड का झुंड यहाँ पर लगा हुआ है। देख सकते हैं कई प्रकार के, ये देखिए सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक लोहे के लिए कुछ लगाया गया। ये देखिए, ये चूंकि बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं सीधा ताकि गिरे ना, इसलिए सपोर्ट के लिए यहाँ पर रॉड लगा दी गई है। और देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कैक्टस देखने को मिलेंगे जो मरुस्थली इलाके में पाए जाते हैं और इनको खाते भी है। कई सारी बीमारियाँ जो होती हैं उनके काम में आते हैं, औषधि कैक्टस भी है यहाँ पर। और देख सकते हैं जो कई बीमारियों को दूर करते हैं, यहाँ पर गाइड भी रहते हैं, उनसे अगर आप इनके बारे में जानना चाहेंगे तो वो बेहतरीन तरीके से आपको कैक्टस के बारे में भी बताएंगे, कौन सा कैक्टस किस कंट्री से लाया गया है और कौन सा कैक्टस किस बीमारी में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, फिलहाल अभी नहीं है, यहाँ पर गाइड मौजूद रहते हैं। इन सभी कैक्टस के बारे में वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो सीमेंट का लगाए गए हैं ये चीज़, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा नरम होते हैं जिनकी लंबाई बढ़ जाती है और उनको सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक मजबूत चीज़ का, जो कि ये सपोर्ट के लिए दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम आते हैं बटरफ्लाई गार्डन में। यहाँ से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बटरफ्लाई गार्डन, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बटरफ्लाई गार्डन में। कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन दोनों को ज़रूर घूमें क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई है। बटरफ्लाई गार्डन ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से शुरू हो गया है बटरफ्लाई गार्डन, तो देख सकते हो आप। तो अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर घूमें, बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी जो है चलते हैं हम यहाँ से, ये है गेट, तो इस गेट से अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं। तो चलिए फ़िलहाल जो है गेट के अंदर चलते हैं और बटरफ्लाई गार्डन देखते हैं। ये चारों तरफ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हरे भरे पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, कई प्रकार के, और एक जैसे नहीं है, कई प्रकार के पौधे हैं। तो ये देखिए उस गेट से स्टार्ट हो गया है बटरफ्लाई गार्डन। तो ये, अरे वाह क्या बात है, इधर का नज़ारा आप देख लीजिए एक बार, कितना सुंदर है, हरा भरा। और ये देखिए ये पेड़ों की सिंचाई और यहाँ तक आ जाती है, ये देखिए पेड़ों की सिंचाई भी होती रहती है, कितना बढ़िया शुद्ध हवा मिल रही है यहाँ पर। और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और इसके ऊपर चारों तरफ पहाड़ है, तो आप जो है देख सकते हो यहाँ पर। देखिए आप जो है सेल्फी वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पॉट बनाया गया है। इस तरह होती है सिंचाई, ओ भींग है, और ये कुछ इस प्रकार से होती है सिंचाई, लगता है 24 घंटे होती रहती है। देखिए बटरफ्लाई गार्डन गाइस तितलियों का गार्डन होता है, यहाँ पर तितलियाँ आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है। क्यों नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी तितलियाँ, कौन कौन सी तितलियाँ कौन कौन से किस किस फ्लावर में बैठती हैं, सभी जगह बोर्ड लगे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, तितलियों के भी नाम हैं और किस फ्लावर में उनका खाना कौन सा पौधा होता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ, वो आप रीड कर सकते हो। तो देख सकते हैं बटरफ्लाई गार्डन कुछ इस प्रकार से, काफ़ी लंबा गार्डन है और आराम से आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा है, एकदम ठंडी ठंडी ताज़ी हवा। ये देखिए हर जगह तितलियाँ बनाई गई हैं, तितलियों के स्टैचू आपको देखने को मिल जाएंगे और उनकी डिटेल भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका बटरफ्लाई गार्डन देखने को मिलेगा। देखिए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हैं तो बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन ज़रूर घूमें, बहुत ही अच्छा है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।
कहाँ बाय। अब चलते हैं। तो गाइस फिलहाल जो है चलते हैं, किधर से एग्जिट करेंगे। इस तरह की गाड़ी अगर आपके पास फैमिली बड़ी है तो इस तरह की गाड़ी कर सकते हो। बैर लगी गाइस, कुछ बैर हम खाएंगे यहाँ पर, क्योंकि तो बहुत दिन हो गए और कई सदियाँ बीत गई। कैक्टस गार्डन में बैर मिल गई थी, काफ़ी टाइम हो गया बैर खाए हुए। ये देखिए बैर का भी पेड़ है कैक्टस में, और ये बैर वैसे तो बहुत कम बची है, पूरी पक के गिर गई है। जो बची है कुछ हम खा लेते हैं दो चार बैर, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम हो गया बैर को खाए हुए। यहाँ पर काफ़ी सारी लगी है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बैर लगी हुई है, और काफ़ी खट्टी मीठी बैर है। दो चार बैर हम तोड़ लेते हैं खाने के लिए, इसके बाद जो है चलते हैं। ये इतनी सारी बैर मैंने तोड़ी है और इसको आराम से खाएंगे। तो ये देख सकते हो ये बैर, वाह जी वाह, बहुत मीठी बैर है। तो चलते हैं, लगता है गाड़ी निकल गई है, अब दूसरी आएगी वो पकड़ेंगे। तो भाई गाड़ी निकल चुकी है।